हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल वॉश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया हुआ है, गर्म पानी, और उसमें मैंने नींबू निचोड़ के दिया है। आधे नींबू निचोड़ा है मैंने। कल कुछ वेजिटेबल्स लाए हुए थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, तो अभी मैं सिर्फ फ्रूट्स को ही वॉश करूँगी। तो मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। नींबू को निचोड़ के मैंने उसी में ही छोड़ दिया है, और मैं इसमें अब एक चम्मच नमक डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे वॉश कर लूँगी। इसमें मैं इसको रगड़ के धो लूँगी। उसके बाद पानी टैप का जो ये है, पानी है, उसमें छोड़ करके उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये जो स्टिकर वगैरह लगे होते हैं ना, ये भी निकाल देना अच्छा होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन बटन जो है वो भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। तो मैंने यहाँ टोटल कंप्लीट कर लिया है, वॉश करके रख लिया है, और मैं इसको नीचे फैला भी दे रही हूँ ताकि इसके जो भी पानी है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और मसीहा उठ गया है, और उसकी मस्ती देखिए, ये उसने बैग को लेकर के खेलना स्टार्ट किया है, और बैग को टोपी भी बना ले रहा है, उसके अंदर के पैसे वगैरह बाहर निकाल रखा है। बहुत ज़िद कर रहा था, रोने लगा। इसके सामने अगर एक बार भी पर्स खुला तो वो उसको चाहिए। और ये देखिए कैसे सो क्यूट, ये देखिए कितने उसके अंदर से वो देख रहा है। तो यहाँ वो पूरा फुल मस्ती कर रहा है, हंस भी रहा है, खुश भी हो रहा है पहन करके। थोड़ी सी दिखाई दे रही है उसको वहाँ से, ये रहा है, वो देख रहा है यहाँ से, मगर तो मस्ती कर रहा है हमारे साथ, फुल मस्ती कर रहा है। उसको बैग चाहिए, बैग मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। ये रहा, पैसे लिया हुआ है हाथ में, सारा पैसा बाहर निकाल के रखा है। तो अब मसीहा सो भी गया है, और उसने देखी और कितनी सारी शैतानियाँ कर रखा है। मैंने जितने भी फ्रूट्स रखे थे देखी, सब दिखाई दे रही है, नीचे पलंग के नीचे, बेड के नीचे देखिए भर के डाल दिया है। और यह केला जो है ना, उसके ऊपर चढ़ के एक केला उसने बर्बाद कर दिया है। उस टाइम मैं थोड़ा सा जूस निकालने में बिज़ी हो गई थी, उसके लिए ही जूस निकाल रही थी। तो वो यहाँ पे तब तक मैं सोच रही थी कि मैं जहाँ जाती हूँ वहीं जाता है, आ क्यों नहीं रहा है। तो जब मैं देखने के लिए आई तो मैं देख रही हूँ कि पूरा फैला रखा है, और ये देखिए पूरा घर मेरा फैला हुआ है। तो अभी तो मसीहा सो रहा है, तो जितना तक पॉसिबल होगा फटाफट मैं काम सब कंप्लीट करूँगी। चारों तरफ उसने फैला रखा है, तो मैं ये सारा अभी जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी। साथ में मुझे वीडियो भी बनाने पड़ते हैं, एक घंटा ही मुझे मिलता है, उसमें मुझे वीडियो एडिटिंग भी करने पड़ते हैं, अपलोड भी करने पड़ते हैं, और काम भी सारा निपटा लेना पड़ता है जितना पॉसिबल हो पाता है। तो इतना कम समय में मुझे इतना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो उठ जाता है। वो उठ जाने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाती, मोबाइल तो मैं हाथ में नहीं ले पाती हूँ। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मेरे टैप में ना ये सारे जंग लगे हुए हैं, फ़िल्टर में, स्टील के भी बर्तन में, ये देखिए मेरे सारे दोनों फ़िल्टर में, क्योंकि इसमें हमेशा पानी रहता है, तो ऐसे जंग लग जा रहे हैं। मैं इसकी मतलब इसके लिए एक लिक्विड भी लेकर खरीद कर लेकर आई थी, लेकिन मैं इसकी सफाई करने के बाद भी ये नहीं जा रहा। कब जाता है, थोड़ा सा आप जब उसको साफ़ कर दो तो चल जाएगा, लेकिन फिर वापस आ जाता है, मतलब जिस दिन साफ़ किया ना उसी दिन तक। तो यहाँ पर जो मसीहा ने केला पूरा फैला रखा था वो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, उसको पोंछ दे रही हूँ, नहीं तो अभी वो जगेगा तो फिर पाँव स्लिप करके गिर सकता है। और जो भी मैंने फल रखे थे, मैं मसीहा ने तो बहुत काम बढ़ाया फैला के रखा है, तो वो सारा उठा करके मैं फ्रिज में डाल के रख दूँगी, नहीं तो अभी फिर से निकल के उसको लेकर के बॉल खेलना स्टार्ट कर देगा। खेल भी रहा था, जितने भी मौसम्बी थे, बेदाना थे, सबको लेकर बॉल की तरफ फेंक रहा था। इससे फ्रूट्स जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खाने में टेस्ट भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं ये जल्दी जल्दी हटा के रख दे रही हूँ। जो मेन मेन काम होता है ना वो पहले निपटा लेना पड़ता है, उसके बाद वो उठ जाए तो कोई बात नहीं। तो ये मुझे सबसे पहले करना पड़ रहा है, वरना वो अभी निकलेगा ना, उठेगा तो फिर दौड़ेगा चारों तरफ, पूरा फैला रखा है, चिपका दिया था उसने इतना ज़्यादा। हाथ से भी मसला है, पाँव से भी मसला है। तो मैं यहाँ पर मार रही हूँ पोछा, क्लीन कर रही हूँ जो भी केला वगैरह रखा था, एक बेदाना इधर रह गया था। तो मैं ये अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में।
यहाँ सारा मेरा कंप्लीट हो गया, फ्रूट्स रखना पोंछना सब कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ, किचन का टोटल काम जो बचा हुआ है कंप्लीट करना है, क्लीनिंग वगैरह है तो मैं जल्दी से वो कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं आ गई अब किचन में। अब मैं पहले रिप को थोड़ा साफ़ कर लूँगी, है ना। अगर आप ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं काम करते करते क्लीन करते रहती हूँ, इससे क्या होता है ना आपको बोझ नहीं होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि एक बार मतलब कि पूरा दिन बीत जाए, रात को एक ही बार साफ़ कर लूँगी, तो उससे मुझे लगता है कि कॉकरोच भी ज़्यादा होते हैं और बहुत गंदा भी हो जाता है और दिक्कत भी लगती है, मुझे लगती है। तो मैं काम करने के साथ साथ ही रिमूव भी करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले पूरा जितना भी फ्रूट्स वगैरह मसीहा को खिलाया था वो सारा पड़ा हुआ था, तो वो सारा मैं डाल दूँगी, सब क्लीन कर लूँगी, सब पहले हटा करके साफ सफाई कर दूँगी, सारे बर्तन एक जगह कर दूँगी, तो ये मैं निपटा लूँगी। तो मसीहा भी उठेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और देखने में भी अच्छा लगता है, अपने आँखों को भी अच्छा लगता है देखने में, क्लीन रहे तो पूरा। ये देखिए मैंने पूरा ही क्लीन कर लिया, मुझे उतना ज़्यादा परिश्रम का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मैं करते ही रहती हूँ। जैसे मैंने सब्जी उब्जी वगैरह काट ली तो उसी टाइम मैं लगे हाथ रिमूव भी कर देती हूँ, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अभी जो खाना बनने के बाद जो तेल वगैरह छींटा पड़े रहते हैं ना वो रहता है, तो वो मुझे रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो मसीहा उसके ऊपर हाथ रख के उसके हाथ में जब लगता है तो फिर मेरे ऊपर चिल्लाता है, मुझे पोंछ दो, साफ़ कर दो, साफ़ कर दो, इस तरह से आँख में भी लेने का डर रहता है। तो मैं यहाँ पे पूरा क्लीनिंग कर ले रही हूँ, किचन का काम थोड़ा बहुत कर लूँगी क्योंकि मुझे बाथरूम में भी अभी थोड़ा सा जो बेसिन है वो क्लीन करना है, काफ़ी गंदा हो गया है, काफ़ी गंदा हो गया है, डेली नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो स्किप कर करके एक दिन ये काम एक दिन वो काम ऐसे करती हूँ। तो आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं कॉलगेट दे करके क्लीन कर रही हूँ, देखती हूँ कितना क्लीन होता है। देख रहे ना सारी जगह, मतलब यहाँ इतना ज़्यादा आयरन है पानी का, जितना भी आप साफ कर लो ये एक स्पॉट रहता है, मतलब क्लीन करने के बाद भी वो जाता ही नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों और किससे जाएगा, अगर आप लोग को किसी को पता है तो प्लीज़ बताइएगा। तो मैं यहाँ कॉलगेट से साफ़ कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिज़ल्ट मुझे मिलता है, क्लीन होता है कि नहीं, वो दाग चला जाए तो सबसे अच्छा, जितना भी साफ़ कर लो वो रह ही जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, आप लोग के सामने दिखाऊंगी भी, देखिए और आप लोग बताइएगा कैसा लगा, आप लोग यूज़ करके देखिए, टिप्स ज़रूर बताइएगा, करने के बाद आप लोग को भी क्या रिज़ल्ट मिला, मेरा भी रिज़ल्ट आप लोग खुद देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस मैं इतना ही शेयर करूँगी और रिज़ल्ट देख लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं। तो देखिए रगड़ना तो पड़ता ही है, बाथरूम भी बहुत गंदा हो रखा है मेरा, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये रहा देखिए मैंने वॉश भी कर दिया है, थोड़ा सा रिज़ल्ट तो मिला ही है, साफ़ लग रहा है, पहले से साफ़ लग रहा है। इसको आई थिंक छोड़ देने से ये रिज़ल्ट अच्छा देगा, मतलब कि इसमें लगा करके उसको हाफ एन आवर जैसा छोड़ देने से, उस टाइम दे देने से मुझे लग रहा है ये अच्छा क्लीन होगा, एक दिन और ट्रायल मारती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ चैनल पर आते रहें आप सभी।